इसाक और रिबका के दो पुत्र थे। बड़ा बेटा एसो रोज खुले वन में शिकार का मजा लेता था, जो उसका पसंदीदा शौक भी था। लेकिन उनका छोटा बेटा याकूब अपनी माँ रिबका की मदद करने में खुशी मिलती थी। एक दिन एसो शिकार से लौटा, वो बहुत भूखा था। उस समय याकूब अपनी माँ को मसूर की दाल पकाने में मदद कर रहा था। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है याकूब, मैं पूरे दिन शिकार के लिए भाग रहा था, इसीलिए मैं भूखा हूं। मुझे पहले एक कटोरी मसूर की दाल पाने दे। भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, पिता ने अभी तक नहीं खाया है। घर के बाकी सब सदस्य भी भेड़ों की रखवाली से भूखे हैं। याकूब, क्या तू अपने बड़े भाई की अवहेलना करता है? मुझे एक कटोरी मसूर की दाल अभी दे। तो फिर क्या तू मुझे अपने पैलटे होने का अधिकार देगा? यदि तू सहमत है तो मैं तुझे एक कटोरी मसूर की दाल दे सकता हूँ। क्या तू उसे मेरे पैलोटे के अधिकार के बदले देगा? अवश्य। मैं माता से पैलोटे होने के कार्य के बारे में सुन सुनकर थक गया हूँ। तुम्हें झुंड की रखवाली करनी है, क्या तुमने अनाज सुखाए? झुंड अनाज। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ याकूब, ये पैलोटे का अधिकार तू से रख सकता है। जल्दी मुझे कुछ मसूर की दाल खाने दे। एसो ने अपने पिता और माता की घर पर पहलोटे के समान मदद करने के बजाय केवल अपनी ही खुशी के लिए जिया। फलस्वरूप उसने अपने पहलोटे होने का अधिकार भूख से बेसब्र होकर एक कटोरी मसूर के दाल के लिए बेच दिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पहलोटे होने के अधिकार को तुच्छ जाना। अब इसाक बूढ़ा है और उसकी आंखें कमजोर होने से ठीक से नहीं देख सकती। वो एसाव को मरने से पहले पैलोटे की आशीष देना चाहता है। सच में आप मुझ इस एसाव को आशीष देंगे? पिता, मैं तुरंत शिकार करने के लिए अभी जाऊंगा। मेरे बेटे, बकरी के बच्चे से मैं तेरे पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी कि वो उसे खाकर तुझको आशीर्वाद दे। रिबका ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और याकूब ने उस भोजन को, जिसे उसकी माँ ने तैयार किया था, अपने पिता के पास ले जाता है। इसाक ने अहेर खाया है, याकूब को आशीर्वाद दिया। जैसे ही इसाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका था, उसका भाई एसो स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया। ए मेरे पिता, मेरे अहेर के मांस में से खाइए ताकि आप मुझे आशीर्वाद दें। तू कौन है? मैं तेरा जेठा पुत्र एसो हूं। क्या तूने एसाव कहा? फिर वह कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था? मैंने तेरे आने से पहले उसे खा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। अब उसे आशीष लगी भी रहेगी। हे पिता, क्या तेरा मतलब है कि तूने याकूब को आशीष दी? परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने दिया। वो द्रुत याकूब, उसने मेरी आशीष ले ली। मेरी आशीष याकूब ने मेरे जन्म का अधिकार ले लिया और अब उसने मेरी आशीष भी ले ली। मेरे पिता, क्या तूने मेरे लिए कोई भी आशीष दी? एक कटोरी मसूर की दाल के बदले अपनी आशीष को बेचने के बाद
एसो को अपनी आशीष का मूल्य समझ में आया। उसने पछतावे के आंसू बहाते हुए आशीर्वाद मांगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परमेश्वर की आशीष याकूब को मिली, जिसने मां के वचनों पर धीरज से आज्ञाकारी होकर परिवार की विरासत की बहुत ज्यादा देखभाल की। याकूब को, जिसे जन्म का अधिकार मिला, परमेश्वर ने स्वर्ग का द्वार खोला और उसे सीढ़ियां दिखाई जो स्वर्ग तक पहुंचती थी, और महान आशीषों की प्रतिज्ञा की।